हेलो फ्रेंड्स, आज हम आ गए हैं एक नई रेसिपी लेके, वेज दम बिरयानी। होप यू ऑल लाइक इट। लाइक, शेयर एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। हम पहले पानी को उबालने के लिए दे देंगे, उसके हम अंदर हमें हरी इलायची, लौंग, हरी मिर्ची और ये खड़ी गरम मसाले दे देने हैं और एक चम्मच लगभग नमक दे देना है। हमें ये बासमती राइस लिया है, लगभग एक से डेढ़ घंटा हम इसे भिंगो के रख दिए थे ताकि ये लंबा लंबा थोड़ा दिखे, अच्छा लगेगा खाने के लिए। और ये उबलते हुए पानी में हमें इसे दे देना है। अब आप देख सकते हो काफी पानी में उबल आ चुका है। अब धीरे धीरे हमें इसे, ये चावल को इसमें दे देना है। इस चावल को हमें ज्यादा नहीं पकने देना है, ऑलमोस्ट 80% पक जाए तो हम इसे निकाल लेंगे। आप देख सकते हो अभी ये चावल हमारा पूरा पक चुका है, ऑलमोस्ट 80% हो गए हैं। अब हम इसे निकाल के एक कंटेनर में रख देना है। आप देख सकते हो ये चावल मैंने निकाल के ऐसे एक टोकरी में करके रख दिया है। कुछ देर तक हम इसे 5-10 मिनट के लिए, पूरा पानी तब तक निकल जाएगा। आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से ये पक चुका है। बाकी ये जब दम लगेगा, ये बाकी जो पकना है वो तब पक जाएगा। आप देख सकते हो मैंने यहाँ एक बोल ले लिया है। इस बोल में हम ये जो सारे वेजिटेबल्स हैं सब धीरे धीरे, मैंने आपके पसंद के आप कोई भी सब्जी ले सकते हो। मैंने यहाँ कुछ ब्रोकोलीज लिया है, मैं पहले ब्रोकोलीज ले रही हूँ। कुछ कैरेट्स मैंने यहाँ पे, इस कैरेट्स को चंक कर लिया है। ज्यादा छोटे होंगे तो ये दिखता भी नहीं है और खाने में मजे भी नहीं लगेंगे, तो ऐसे आप चंक्स कर सकते हो। मैंने और लिया है यहाँ मशरूम्स, ऐसे करके मैंने इसको काट लिया है। मैंने यहाँ कुछ बीन्स भी लिया है, थोड़े बड़े बड़े साइज से मैंने काट लिया है। मैंने कुछ पनीर के पीसेस भी लिया है, ऐसे बड़े चंक्स में। कुछ हरी मिर्ची ऐसे स्लिट कर लिया है और थोड़े बहुत कॉर्न्स। अब इस चीज को, वेजिटेबल्स को, हमें कुछ पेस्ट यूज करना है। इसको मैरिनेट करके हमें इसे अराउंड 15-20 मिनट्स इसको रख देना है। पहले हम लेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 चम्मच, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून मिर्ची का पाउडर। आप जैसे मिर्ची खाते हो आप वैसा ले सकते हो। शाहजीरा, थोड़ा सा धनिया जीरा पाउडर और थोड़ी सी कार्डमम पाउडर, इससे थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा आता है। और जेनरस क्वांटिटी ऑफ दही, विच इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन दिस रेसिपी। ऑलमोस्ट 3-4 टीस्पून ऑफ दही। अब हम इसे अच्छे से धीरे से इसे मिक्स कर लेना है ताकि पनीर या सब्जी के अंदर ये सारे मसाले मिक्स हो जाए।
अब हम इसे लगभग 15 टू 20 मिनट्स इसको अलग रख देंगे। अब हमें बेरिस्ता के लिए ऐसे प्याज काट लेने हैं। अब इसे हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, ब्राउन कर लेंगे, और इसको बेरिस्ता जब बिरयानी, दम बिरयानी पकाएंगे तब वो हमें जरूरत होगी। हम इसमें तेल, सादा सनफ्लावर ऑयल और घी भी यूज किए हैं। आप सिर्फ घी से भी इस बिरयानी को पका सकते हैं। अब हमें ये प्याज बेरिस्ता के लिए ऐसे जब कंडीशन आएगा, ब्राउन आएगा, तब हम इसे निकाल लेंगे। अब हमें सब्जियों को पकाना है। इसके लिए हमें कटी हुई प्याज ऑयल में देना है। अब हमें इसमें सारी सब्जियों को मिला देना है। याद रखें, ये सब्जी पूरी गलनी नहीं चाहिए, जस्ट हमें 3 to 4 मिनट्स इसको अच्छे से फ्राई करना है। अब ये 4 मिनट बाद हम इसे, ये जो राइस हमने अलग करके रख दिया था, ये राइस हमें इसे धीरे से इसमें ऐड करना है। अच्छे से हमें ये लेयरिंग कर देनी है ताकि चावल, हम इस कढ़ाई में बना रहे हैं, आप इसे हांडी में भी बना सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा घी, आप इसमें तेल भी दे सकते हो, इसके कोने में पानी, 2 चम्मच पानी में केवड़ा वाटर और रोज वाटर को भिगो के रखा था, तो ये हम इसमें डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप दोगे तो इसकी अच्छी फ्लेवर निकलेगी। इसमें हम 3 से 4 चम्मच दूध में ये केसर को भिगो के रखा था, लगभग 15 से 20 मिनट तक भिगो के रखना है, इसको हम अब इसमें दे देंगे। अब हम इसमें ये जो बेरिस्ता करके रखे थे, अब ये बेरिस्ता का प्याज हम इसमें सुंदर से सजा देंगे। अब हम इसमें ये थोड़ा सा पुदीने का पत्ता है, इससे भी आपका फ्लेवर अच्छा आता है, इसको हम सुंदर से सजा देंगे। आप देख सकते हो ये हमारा पूरा दम बिरयानी के लिए ये पकेगा, इसीलिए हमें इसे आटा से सील करना है। आप देख सकते हो मैंने आटा गूंथ के ये चारों ओर लगा दिया है। अब इसमें हम ढक्कन लगा देंगे, ऐसे प्रेस करके, ताकि इससे कोई एयर पास ना। अब आप देख सकते हो इसमें एक मेरा ये बर्तन में मेरा एक होल है यहाँ पे, इसको हम एक
छोटी सी लौंग लेके इसको बंद कर दें ताकि कहीं से भी हवा घुसने का चांस ना हो। इसमें हम पकने देंगे 10 मिनट। उसके बाद हम एक तवा ले लेंगे, तवा के ऊपर फिर से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट इसके ऊपर हम फिर दम लगाएंगे। अब हम इसे निकाल के आपको दिखाएंगे। और हमेशा याद रखिए, ऐसे चम्मच से हमें इस राइस को निकालना है ताकि ये एकदम पतला हो, मोटे चम्मच से नहीं निकालना है। और हमेशा हमें ये याद रखना है कि हमें साइड से काटना है, हमें कभी भी बीच से नहीं निकालना है। ये साइड से ऐसे देखिए कितनी सुंदर ये राइस। अब हम इसे आपको निकाल के दिखाते हैं। अब आप देख सकते हो कितनी अच्छे से ये पक चुका है। सो इफ यू लाइक द रेसिपी प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।